डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम और बेलमैन फोर्ड से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजस्त्रा एल्गोरिदम और बेलमैन फोर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, बेलमैन फोर्ड का सूडो कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ईच एंड एवरीथिंग गाइज आपको विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स या फिर अपने इंटरव्यूज में कभी भी फंसोगे नहीं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिजस्त्रा एल्गोरिदम, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिजस्त्रा एल्गोरिदम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में सारा पॉइंट जो है विद एग्जांपल सूडो कोड ईच एंड एवरीथिंग आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप कि आपने वो वीडियो चेक कर ली होगी, अगर नहीं की तो एक बार जरूर चेक कर लेना ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे सेम एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल को मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था डिजस्त्रा के केस में, उसी पॉइंट से ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर ही नहीं होता कि यार इनके बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या, और अगर है तो हम कैसे एक सिंपल से एग्जांपल से उसको शो कर सकते हैं। तो देखो, बहुत ही छोटे से एग्जांपल से ही आप उसको समझा सकते हो। तो देखो, एस मेरा क्या है, सोर्स है, ए बी सी मेरे तीन जो है वो नोड्स है, एस उसमें क्या है, सोर्स। ये मेरे को वेट दिया हुआ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। अब देखो, सबसे पहले डिजस्त्रा एल्गोरिथम अगर मैं यहां पे अप्लाई करता हूं तो आपको पता है सोर्स से सोर्स जीरो और बाकी मेरा इनफाइनाइट। अब उसके बाद क्या होगा, रिलैक्स करूंगा तो ए से बी वाला क्या हो जाएगा 10, ए से सी वाला क्या हो जाएगा 5, दोनों में से मिनिमम कौन सा है 5, तो मैं 5 को चूज कर लूंगा, यानी पहले मेरा ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा 5 फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। रेड कलर से मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा 5 डिस्टेंस जो है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद यहां से कोई रिलैक्स हो रही है, नहीं हो रही, तो नेक्स्ट मिनिमम मेरा ऑब्वियसली कौन सा है, नेक्स्ट मिनिमम मेरा 10 है, तो मैं क्या करूंगा 10 को उठा के अब इस वाले को मैं रिलैक्स करके 10 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा 5 फिक्स हो गया, ये मेरा 10 फिक्स हो गया, यहीं पे क्या हो गया आपका डिजस्त्रा खत्म, मतलब डिजस्त्रा जो है वो यहीं पे ओवर हो जाता है। अगर आप इसके बाद B के थ्रू भी रिलैक्स करोगे ना, ये 10 माइनस 8 करोगे तो क्या आएगा, वैसे तो 10 माइनस 8 आंसर तो क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, लेकिन डिजस्त्रा इसको नहीं सॉल्व करता, वो इतना ही आंसर देके इसका 5 और इसका 10 देके स्टॉप कर जाएगा। दिस इज हाउ डिजस्त्रा एक्चुअली वर्क्स। लेकिन अगर हम बात करें बेलमैन फोर्ड की, तो यहां पे जो मिनिमम आउटपुट जो आनी चाहिए थी वो तो आई नहीं है, तो यानी डिजस्त्रा जो है वो यहां पे क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन को, मैं बेलमैन फोर्ड से सॉल्व करता हूं। तो बेलमैन फोर्ड सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताता है कि आप हर नोड को, आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट कर लेना, आपको करना क्या है, यू हैव टू रिलैक्स एवरी एज, हर एक स्टेप में आपको क्या करना है, इस लाइन को लिख लेना, बेलमैन फोर्ड में कभी नहीं फंसोगे। यू हैव टू रिलैक्स एवरी एज कितने v माइनस 1 नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आपको हर एक एज को v माइनस 1 नंबर ऑफ टाइम्स रिलैक्स करना है। v क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो यहां पे लेट्स से नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं इस क्वेश्चन में 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो यानी आपको करना क्या है, हर एज को दो बार क्या करना है, रिलैक्स करना है, बस ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आपको अप्रोच भी पता लग गई कि इसका और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, अभी मैं आपको इसको रिलैक्स करके बताता हूं। रिलैक्स आपको ऑलरेडी पता ही है, स्टार्ट ये भी वही होगा, आपका सोर्स जो है वो जीरो डिस्टेंस पे है और जो बी और सी क्या है इनफाइनाइट, आपको पता ही है स्टार्टिंग में आपका सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस जीरो है और बाकी दो क्या है इनफाइनाइट है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, मतलब आपको फर्स्ट टाइम रिलैक्स, अब मैं लिख देता हूं R1, मतलब मैं फर्स्ट टाइम रिलैक्स कर रहा हूं सारी की सारी एजेस को। अब देखो, जब भी हम रिलैक्स करते हैं तो आपको इस वाले ग्राफ को चेक करना है, इस वाले को ग्राफ को चेक करने का मतलब है आप बाकी का बना लो, ए से बी, ए से सी और ये वाली सारी एजेस पहले बना लो। अब देखो, सबसे पहले मैं इस एज को रिलैक्स करता हूं, ए बी वाली को रिलैक्स करता हूं, तो रिलैक्स का आपको ऑलरेडी पता ही है मतलब क्या बना, 0 प्लस 10, ये देखो 0, इस नोड का डिस्टेंस क्या है 0, 0 प्लस 10 इज लेस देन इनफाइनाइट, यस, तो यानी
इसको मैंने रिलैक्स करके क्या कर दिया, 10 कर दिया. गेटिंग द पॉइंट ऑफ नोट. तो यानी यहां पे मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, बी, मतलब ए से बी जाने का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10, ये कम हो गया डिस्टेंस. ऐसे ही जब मैं इसको रिलैक्स करूंगा, ए सी को, हर एक एज को रिलैक्स करना है, तो ए सी को जब मैं रिलैक्स करूंगा तो यार ए से सी जाना है तो 0 + 5 क्या हो गया, 5. क्या 5 < infinity है, 5 < infinity है, तो लो जी ये भी मेरा रिलैक्स हो गया. अब मेरा ए से सी जाने का डिस्टेंस, ए क्या है, सोर्स है, वही सेम इसकी तरह ए से सी जाने का डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, 5 रिड्यूस हो गया. गेटिंग द पॉइंट. ये सिंपल सा पॉइंट है. अब मैं इस एज को भी रिलैक्स करूंगा, इस एज को जब मैं रिलैक्स करूंगा, मतलब बीसी एज को जब मैं रिलैक्स करूंगा, आपको जब भी रिलैक्स करते हो तो पिछले वाला देखना है, मतलब इस वाले को देखना है, गलती से भी ये मत कर देना इसको, क्योंकि हमने इसको भी तो ये देख के किया ना, 0 + 10 = 10, 0 + 5 = 5, इस तरीके से. अब मैं इसको करूंगा ये वाली एज को, तो इनफाइनाइट माइनस 10, अभी तो ऊपर इनफाइनाइट ही है, इनफाइनाइट माइनस 8 करोगे तो आंसर इनफाइनाइट ही आएगा. तो यानी ये वाला अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी के अभी डिस्टेंस एज इट इज ही रहेंगे. ठीक है, बाकी के आप ये जो 10, 5, -8 ये तो नॉर्मल आप लिख ही सकते हो. तो ये फर्स्ट टाइम रिलैक्स कर दिया. या आप ये भी कह सकते हो कि सोर्स से एक एज के थ्रू आप जहां जहां पहुंच रहे हो वो रिलैक्स हो चुके हैं. अब आते हैं जी हम दूसरी बार रिलैक्स, आर टू. मैं आप दूसरी बार रिलैक्स कर रहा हूं, कितनी बार रिलैक्स करना है हर एज को, V-1, दैट इज 3-1, 2 टाइम्स. अब देखो फिर वही बना लो, ए बी एंड सी. ठीक है, ए बी एंड सी. तो देखो कितना मजेदार एग्जांपल है और कितना इजी एग्जांपल से आपको जो है वो क्लैरिटी आ रही है. ए बी सी वही बना लिया. अब इसको रिलैक्स करना है इन तीनों एजेस को, इसको देखते हुए, इसको किया था इसको देख के, अब मैं इसको रिलैक्स करूंगा इसको देख के. अब देखो सबसे पहले ए बी को रिलैक्स करो, ए का डिस्टेंस तो गाइस अभी भी सोर्स का डिस्टेंस तो जीरो ही रहेगा. तो देखो 0 + 10 = 10, क्या 10 < 10 = 10 है, नहीं, तो यानी ये 10 का 10 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इस एज को रिलैक्स करते हैं एसी, 0 + 5 < 5 है, नहीं ये तो बराबर है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 5 का 5 ही रहेगा. अब मैं इस वाली एज को रिलैक्स करता हूं बीसी, 10 - 8 = 10 - 8, ये देखो बी का डिस्टेंस क्या है 10, 10 - 8 करोगे क्या आएगा आंसर 2, क्या 2 < 5 है, हाँ 2 < 5 है, तो लो जी ये रिलैक्स होके मतलब रिड्यूस होके 5 से क्या हो गया 2 हो गया. यहां पे बेलमैन भी आपका खत्म हो गया, बेलमैन फोर्ड भी क्या हो गया यहां पे खत्म हो गया. क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसने 3-1 2 टाइम्स आपके रिलैक्स करके मिनिमम डिस्टेंस बता दिए. अब ए से बी जाना है 10 डिस्टेंस में, ए से सी जाना है तो वाया बी चले जाओ 2 डिस्टेंस में, विच इज नॉट इन केस ऑफ डिजस्त्रा, वो 5 पे ही रहेगा, वो स्टिक रहेगा कि मैं तो 5 पे, जो पहली बार चूज कर लिया वो बात खत्म. लेकिन ये एक्चुअल में मिनिमम डिफरेंस आपको जो है वो ये दे रहा है. सो दिस इज हाउ एक्चुअली द बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम वर्क्स. अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि यार वी माइनस वन करके हमने आउटपुट तो ले ली, लेकिन बेलमैन फोर्ड ना एक स्टेप और आगे चलेगा, मतलब एक बार और रिलैक्स करेगा वो सिर्फ नेगेटिव एज साइकिल्स को पता लगाने के लिए. जैसे मैं अगर इसी में एक बार और रिलैक्स करके देखूं, मतलब मैं लेट से R3, वैसे तो आपका R2 में ही खत्म हो गया, लेकिन लेट से अगर मैं एक बार और रिलैक्स करके दिखाऊं आपको तो क्या कोई फर्क पड़ेगा. देख लो जी ये आपका एज इट इज था. तो देखो अब मैं रिलैक्स कर रहा हूं इसको देखते हुए, क्योंकि लेटेस्ट ये है. अब देखो 0 + 10 = 10 है, नहीं, तो यानी ये 10 का 10 ही रहेगा. इस वाली एज को, इस वाली एज में क्या है 0 + 2 = 2, नहीं ये तो 2 के बराबर ही है, तो यानी ये 2 ही रहेगा. अब देखो इधर 10 ये -8 ही था ना स्टार्टिंग में, ये तो 10 ही था, ये 5 ही था. 10 - 8 क्या आएगा, 10 - 8 क्या आएगा 2, क्या 2 < 2, नहीं ये तो 2 ही रहेगा, तो यानी ये मेरा एज इट इज आंसर रहेगा, कोई चेंज आंसर में नहीं आया, जो आंसर ये था वही आंसर यहां पे है. तो इससे मेरे को क्या पता लग गया, एक तो मैंने मिनिमम आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया, दूसरा कोई चेंज नहीं आया, कोई आउटपुट में चेंज नहीं आया जब मैंने एक बार और ऐड किया, एक बार और इसको रिलैक्स किया, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई भी नेगेटिव एज साइकिल नहीं है.
गेटिंग द पॉइंट, इसके अंदर नेगेटिव एज साइकिल नहीं है। उसका रीजन क्या है भैया, ग्राफ में अगर n नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो ऑब्वियसली आप n माइनस वन टाइम ही चलाओगे, तभी ट्री बनेगा ना। लेकिन अगर आपने जैसे ही उसको n टाइम्स चला दिया, जैसे लेट से अगर सिंपल से एग्जांपल से आपको बताऊं, ये एग्जांपल आप लो, तीन वर्टेक्स हैं, तीन एजेस हैं, अगर आप इसका ट्री बनाओगे तो ऑब्वियसली या तो आप ये दो सिलेक्ट करोगे या ये दो सिलेक्ट करोगे या ये दो सिलेक्ट करोगे। अगर आपने तीन वर्टेक्स और तीनों एजेस सिलेक्ट कर ली तो फिर उसके अंदर ऑब्वियसली साइकिल तो कहीं ना कहीं बनेगा ही। और अगर वैल्यूज रिड्यूस हो जाती हैं, जैसे इससे अगर और रिड्यूस हो जाती हैं, तो इसका मतलब साइकिल तो है ही, नेगेटिव एज साइकिल है, क्योंकि वैल्यूज और रिड्यूस होती जा रही हैं। एक और एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करवाता हूं कि नेगेटिव एज साइकिल का हम कैसे पता लगाते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर दिस ग्राफ। अब इस ग्राफ के ऊपर हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम लगा रहे हैं। देखो ए बी सी मेरे तीन वर्टेक्स हैं, तो बेलमैन फोर्ड कहता है कि मैं कितनी बार रिलैक्स करूंगा, मैं वी माइनस वन टाइम पहले रिलैक्स करूंगा। तो वी माइनस वन टाइम का मतलब है तीन वर्टेक्स हैं तो थ्री माइनस वन क्या हो गया, टू। तो यानी टू टाइम्स हम पहले इसको रिलैक्स करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे ये जो आपको दिख ही रहा है कि जीरो सोर्स से सोर्स, ये मेरा सोर्स है जीरो, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्टार्टिंग में तो यही। अब करना क्या है हमें, हर एक एज को कितनी बार रिलैक्स करना है, v माइनस वन यानी टू टाइम जो है वो रिलैक्स करना है। तो पहली बार मैं रिलैक्स कर रहा हूं, मैंने पहले टाइम बचाने के लिए यहां पे लिख बना दिए हैं। अब देखो 0 प्लस 10, ये देखो ये वाला तो मेरा 0 ही रहेगा स्टार्टिंग में, 0 प्लस 10 इसको देख के बनाना है आपको, ये वाला 0 प्लस 10 लेस देन इंफिनिटी है, 0 प्लस 10 लेस देन इंफिनिटी है, हाँ। तो यानी इसको रिलैक्स किया तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, रिड्यूस होके 10 हो गया। देन इस वाले को हम करते हैं, इस वाले को रिलैक्स करते हैं, तो इनफाइनाइट प्लस 20 इनफाइनाइट ही रहेगा, क्या इनफाइनाइट प्लस 20 इनफाइनाइट लेस देन इनफाइनाइट, नो, ये तो मेरा स्टिल इनफाइनाइट ही रहेगा। गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट, वही सेम इसको देख के इसको बनाना है। तो 0 प्लस 10 यहां तक जाने का 10, 10 लेस देन इनफिनिटी है, तो यानी ये मेरा रिलैक्स होके कम हो गया, 10 हो गया। अब देखो नेक्स्ट इनफाइनाइट प्लस 20, ये इनफाइनाइट प्लस 20 क्या हो गया, ऑब्वियसली इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस ये आपका इनफाइनाइट ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड वाली को भी, हर एक एज को रिलैक्स करेंगे, तो इस एज को अगर मैं रिलैक्स करूं तो इनफाइनाइट माइनस 30 क्या लेस देन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट माइनस 30 क्या लेस देन इनफाइनाइट है, नहीं। तो यानी ये भी मेरा कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज ये आउटपुट आ जाएगी जब हम पहली बार रिलैक्स करेंगे, बाकियों को एज इट इज आप मेंशन कर दो। अब देखो, अब हम यहां से यहां बनाते हैं, ये पहली बार रिलैक्स किया, अब दूसरी बार रिलैक्स कर रहा हूं, दो बार रिलैक्स करना है, वी माइनस वन दैट इज थ्री माइनस वन टू। अब देखो इसको अगर मैं करता हूं 0 प्लस 10 10, 0 प्लस 10, 10, क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं, ये तो आपका अभी भी 10 ही रहेगा, रिलैक्स ऑलरेडी ये 10 में ही रहेगा। देन देखो 10 प्लस 20, यहां से यहां जाना ना, U से V में जाना है, तो U से V जाने का मतलब है U का डिस्टेंस प्लस उस एज का डिफरेंस लेस देन V है, तो 10 प्लस 20 30, क्या 30 लेस देन इंफिनिटी है, तो यानी ये मेरा रिलैक्स होके अब क्या हो गया, 30 हो गया। गेटिंग द पॉइंट। अब देखो यहां से, अब मैं इस वाली एज को, ये एज को रिलैक्स कर दिया, ये एज को रिलैक्स कर दिया, अब इस एज के थ्रू रिलैक्स कर रहा हूं, तो इस एज को रिलैक्स करने का मतलब है इनफाइनाइट माइनस 30, यहां से यहां जाना है ना, तो इनफाइनाइट माइनस 30 लेस देन 10 है, इनफाइनाइट माइनस 30 क्या लेस देन 10 है, नहीं, इनफाइनाइट माइनस 30 इज नॉट लेस देन 10, तो यानी ये मेरा अभी भी एज इट इज आंसर ही बना रहेगा। तो ये एक तरह से आपका यहीं पे स्टॉप करके आपको आउटपुट दे देगा कि ये भैया मेरी आउटपुट है, यहां पे आपको मिल जाएगी। सिंपल, इनफाइनाइट माइनस 30 क्या है, इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट लेस देन 10 है, नहीं, तो ये मेरा डिस्टेंस जो है वो एज इट इज आपका यहां पे मेंटेन रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार और रिलैक्स, ये आपका v माइनस 1 रिलैक्स कर दिया, एक बार और अगर मैं रिलैक्स करता हूं, मतलब वैसे तो दो बार करना था लेकिन एक बार और रिलैक्स किया जस्ट टू चेक द नेगेटिव एज साइकिल, तो एक बार अगर और जस्ट करके देखो, एक बार और रिलैक्स, तो एक बार और अगर रिलैक्स करते हैं तो ए से बी का डिस्टेंस तो आपका 10 ही रहेगा, इसमें तो रिलैक्सेशन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मैं पहले बना के यहां पे, अब देखो ए से बी 0 प्लस 10 10 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10 प्लस 20 30, ये 30 का 30 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाली एज, जो ये वाली एज है आपकी 30 माइनस 30, 30 माइनस 30 क्या हो गया, 30 माइनस 30 जीरो, क्या जीरो लेस देन 10 है, है, लो जी ये डिस्टेंस कम होके क्या हो गया, जीरो। गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर हम सी के थ्रू जाएंगे ना बी पे,
मतलब अगर हम ए से बी जाते हैं, पहले डिस्टेंस था 10, ए से बी के जाने की कॉस्ट थी 10, लेकिन अगर मैं ए से बी जाता हूं सी के थ्रू तो 30 माइनस 30 क्या हो गया, 0, 30 माइनस 30 0, क्या 0 लेस देन 10 है, तो यानी ये डिस्टेंस रिड्यूस होके क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है, अगर आप v टाइम्स अगर चलाते हो, v टाइम्स अगर आपने रिलैक्स किया और अगर आपका डिस्टेंस कम हो गया, 10 से कम होके 0 हो गया ना, इट मींस देयर इज अ नेगेटिव एज साइकिल। आपको क्लियर कट दिख रहा है, नेगेटिव एज साइकिल मैंने जानबूझ के यहां पे बनाया है, लेकिन एल्गोरिथम कैसे फाइंड आउट करता है, एल्गोरिथम ए वी माइनस वन टाइम पहले चलाएगा, एक टाइम और चला के आपको चेक करवाएगा कि जैसे ही आपने एक टाइम और चलाया ना, डिस्टेंस कम हो गए, डिस्टेंस कम होने का मतलब है देयर इज अ नेगेटिव एज साइकिल, वहीं पे एरर जनरेट कर देगा कि देयर इज अ नेगेटिव एज साइकिल, सो स्टॉप। क्योंकि आप इसको देखो, इसका फाइनल आंसर तो आप निकाल ही नहीं सकते, आप एक बार अगर और कर दोगे, ये देखो 0 प्लस 20 यहां पे डिस्टेंस आपका नेक्स्ट टाइम 20 हो जाएगा ना, ये वाला रो जो है वो 20, तो 0 प्लस 20 ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस 30 करोगे ये और कम हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, फिर ये माइनस 10 प्लस 20 ये डिस्टेंस कम हो जाएगा 10, फिर 10 माइनस 30 करोगे तो माइनस 20, ये तो इस तरीके से माइनस होता होता माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो आपको मिनिमम आंसर तो मिलेगा ही नहीं, तो आप फालतू में फंसोगे, तो इसलिए ये डिफरेंशिएट कर देता है, बेलमैन फोर्ड आपको बता देगा कि देयर इज अ नेगेटिव एज साइकिल, सो स्टॉप। और नेगेटिव एज साइकिल वो कब बताता है, वी माइनस वन टाइम तो पहले चलाओगे, रिलैक्स करोगे सारी एजेस को, एक बार और रिलैक्स करोगे जस्ट टू चेक वेदर दिस इज अ नेगेटिव एज साइकिल और नॉट, और अगर आपके डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस अगर आपका कम हो जाता है तो आप तुरंत कह सकते हो देयर इज अ नेगेटिव एज साइकिल, जो इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है। सो दिस इज हाउ द बेलमैन फोर्ड एक्चुअली वर्क्स। थैंक यू।